प्यारे बच्चों, कैसे हो? बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 5 की हिंदी का कार्य पत्रक 26 करेंगे। बच्चों, अभी तक हमने 25 जो वर्कशीट है वो कंप्लीट कर ली है। उस सब में हमने बच्चों व्याकरण सीखी है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपको व्याकरण अच्छी तरह से आ जाए। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, पीछे हमने अब तक दो कहानियां बनाई थी। ठीक है बच्चों? सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है और दिनांक लिखनी है। ठीक है? तो हमारे अधिगम क्षेत्र है सृजनात्मक अभिव्यक्ति, और अधिगम बिंदु है चित्र को देखकर अपनी कल्पना से कहानी लिख पाना। तो बच्चों, पीछे हमने दो कहानियां लिखी थी, 4 बिल्लियों और एक चूहे वाली और दोस्तों वाली। ठीक है? तो वो कहानियां हमने अपनी कल्पना से बनाई थी। कल्पना का अर्थ होता है बच्चों कि अपने मन से आपको कोई चीज दे दी जाएगी, आपको कोई पहचान दे दी जाएगी, उसके बेस पे आपको कहानी लिखनी होती है। तो बच्चों, नीचे भी ऐसा ही हुआ है। एक चित्र दिया हुआ है पेड़ का, उस पर दो बच्चे बैठे हैं। यहाँ पर क्या है, पेड़ के ऊपर बच्चों एक घोंसला भी है। ठीक है? तो हमारे को यहाँ पर 4 शब्द भी दिए हैं, समझदारी, घोंसला, घबराना, मजा। तो जो हम कहानी बनाएंगे उनमें ये चारों शब्द आना चाहिए। ठीक है? ये चारों शब्द जरूर आने चाहिए। तो बच्चों, अब हम कहानी बनाएंगे पेड़ को देखकर, बच्चों को देखकर और घोंसले को देखकर। ठीक है? तो बच्चों शुरू करते हैं कहानी। एक दिन करीम और उसका दोस्त, ये कहानी बच्चों हमने अपने मन से बनानी होती है। ठीक है? और उसका दोस्त खेलने के लिए एक पार्क में गए, बागीचे में गए। बच्चों ये कहानी है, ये मेरे बेटे भरत ने बनाई है। ठीक है? मैं तो सिर्फ आपको लिखकर और सुना ही रही हूं। एक दिन करीम और उसका दोस्त खेलने के लिए बागीचे में गए। वहां उन्होंने एक पेड़ पर वहां उन्होंने एक पेड़ पर एक घोंसला देखा। आपने भी देखा था ना पेड़ पर? घोंसला देखा तो उन्होंने घोंसले पर पत्थर मारकर मजा लेने की सोचा। उन्होंने घोंसले पर पत्थर मारकर मजा लेने का सोचा। बच्चे जब लाइन खत्म हो जाती है ना, तो यहां पर ये लगाते हैं पूर्ण विराम का चिन्ह। जैसे ही उन्होंने पत्थर मारा, घोंसला हिलने लगा। जैसे ही उन्होंने पत्थर पर घोंसले पर पत्थर मारा तो घोंसला हिलने लगा। तो वे दोनों घबरा गए। बच्चों यहां पर ऊपर शब्द था घोंसला, मजा, ठीक है, घबरा, ये तीन तो हमने यहां पर प्रयोग कर लिए शब्दों को। तो वे दोनों घबरा गए। उन्होंने समझदारी से काम लेते हुए उन्होंने समझदारी से काम लेते हुए पत्थर
पेड़ पर चढ़कर पेड़ पर चढ़कर घोंसले को संभाल लिया, यानी बचा लिया। और चिड़िया के जो बच्चे थे छोटे छोटे, वो गिरने से बच गए। और इससे चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे गिरने से बच गए। अब करीम और उसका दोस्त किसी को परेशान नहीं करते। अब करीम और उसका दोस्त किसी को परेशान नहीं करते। तो बच्चों, क्या शिक्षा मिलती है हमें इससे, इस कहानी से? आपने क्या शिक्षा ली? जियो और जीने दो, ठीक है? खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। किसी को परेशान नहीं करो, किसी को तंग नहीं करो। तो बच्चों, एक बार कहानी को हम रिवाइज कर लेते हैं। एक दिन करीम और उसका दोस्त खेलने के लिए एक बगीचे में गए। वहां उन्होंने एक पेड़ पर घोंसला देखा, तो उन्होंने घोंसले पर पत्थर मारकर मजा लेने का सोचा। जैसे ही उन्होंने पत्थर मारा तो घोंसला हिलने लगा, तो वे दोनों घबरा गए। उन्होंने समझदारी से काम लेते हुए पेड़ पर चढ़कर घोंसले को संभाल लिया, बचा लिया, और इससे चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे गिरने से बच गए। अब करीम और उसका दोस्त किसी को परेशान नहीं करते। तो इससे शिक्षा मिलती है बच्चों कि जियो और जीने दो। बच्चों, इस तरह से हमने कहानी को पूरा किया है चित्र को देखकर, ठीक है? और कुछ शब्द दिए हुए थे, आप अपनी वर्कशीट में देख लीजिएगा। वहां पर जो चित्र बना हुआ है उसी के बेस पर हमें कहानी बनानी होती है अपने दिमाग से, अपने मन से। तो बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक एंड शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्वाइन भी कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।